हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज हम ये शॉर्ट्स फ्रॉक बनाना सीखेंगे जो हम पैंट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और धोती या कोई भी सरारा के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। ये जो मेरे पास थोड़ा कपड़ा बचा था उससे मैंने ये फ्रॉक बनाया है। आपको अगर बनाना हो तो इसके लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। फोर फोल्ड कर लेना है। देखो ये मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। फोल्ड साइड से हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर के लिए हमें 6 इंच का बॉक्स बना लेना है। यहाँ से भी 6 इंच लेना है, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, ऐसे 6 इंच का बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी 28 है तो उसका 4 फोल्ड करेंगे तो 7 इंच आएगा। उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है तो 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे इंची टेप को रखे 8.5 इंच पे एक मार्किंग करके सीधी लाइन बना लेनी है। ये चेस्ट हो गई। फिर यहाँ से हमें कमर लंबाई लेनी है। कमर लंबाई हमारी 13 है तो उसमें 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है तो 14 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर यहाँ से हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर का भी हमने चेस्ट का जैसे किया था वैसे ही। कमर हमारी 22 है तो उसका हम 4 फोल्ड करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन बना लेनी है। फिर आर्म होल के लिए यहाँ पे 2 निशान लगा लेना है। ये हो गया। फिर यहाँ से हमें इसको कट कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है तो अंदर का जो 2 कपड़ा है उसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। फिर ये अंदर वाला जो निशान लगाया था ना उसको 2 ही कपड़े में इसको काट लेना है। ये काट के हो गया। फिर जो हमने फोल्ड किया था वो कपड़ा वापस से सीधा कर लेना है। फिर यहां से इसके बराबर इसको काट लेना है। फिर ऊपर से थोड़ा ज्यादा रख के काट लेना है ऐसे। फिर यहाँ पे हमें बीच में एक छोटी सी कट लगा लेनी है। अब यहाँ पे गला हम बाद में करेंगे, इसके नीचे का कट कर लेते हैं। जो हमारा कपड़ा था उसमें से ये मैंने ये टुकड़ा निकाल लिया है। इसको हम एक बार फोल्ड करके रखा है। देखो मैंने इसको एक बार ऐसे फोल्ड करके रखा है। एक फोल्ड हुआ, फिर वापस से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड हो गया तो ये हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी और ये वाली भी फोल्ड साइड रहेगी। फिर इसको एक बार और ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है। देखो क्रॉस में फोल्ड कर लिया तो इसमें देखो ये वाली ओपन साइड है पर ये कपड़ा भी फोल्ड ही है। इसमें कोई भी कपड़ा अलग नहीं है, सब फोल्ड है। फिर यहाँ से हमें इसको यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। कमर कैसे लेना है तो ये जो हमने ऊपर का पार्ट काटा था ना उसको एक बार और फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख के ऐसे सीधी मार्किंग कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा कमर। फिर लेंथ कैसे लेनी है तो लेंथ हमारी कमर लंबाई, देखो कमर लंबाई ये हमने कितना काटा था, 14 इंच का काटा था ना, तो इसमें 1/2 इंच माइनस कर लेना है तो 13.5 से लेके इसकी तैयार लेंथ हमारी 24 इंच है। तो इसको इसमें 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है तो 25 इंच पे मार्किंग करते जाना है। देखो ऐसे 13.5 पे मैंने रखा, फिर 25 इंच पे ऐसे मार्किंग करते जाना है। फिर ये जो मार्किंग की इस दोनों को काट लेना है। देखो इसको काट के हो गया। अभी यहाँ पे कम पड़ा ना कपड़ा तो इसको पहले क्या करना है, ये 2 है ना ये, इसको नहीं कट करना है पर ये जो 2 कपड़ा है ना इसको हम यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। ये ध्यान से कट करना, जो नहीं काटना है वो मत काट लेना। ये 2 कपड़ा है ना इसको ही मैंने काटा है, ऊपर का जो 2 पीस था ना उसको। देखो इन दोनों को मैंने काट लिया है। फिर यहाँ पे देखो कपड़ा कम पड़ा है ना, तो ये नीचे का जो हमारे पास कपड़ा था ना इसको हम यहाँ पे रख के जॉइंट लगा लेंगे। ये सारे कपड़े को यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे। फिर इसमें जॉइंट कैसे लगाना है तो ये जो कपड़ा है ना इसको इसके ऊपर उल्टा रख लेना है, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे इसमें भी करते जाना है। ये जो कपड़ा है इसको सीधा रखा है,
तो ये वाले कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े में सिलाई लगा के हो गया, फिर इसको ऐसे खोल लेना है, फिर उल्टा करने के बाद यहाँ पे जो ज्यादा कपड़ा बचेगा ना उसको काट लेना है। ये काटने के बाद यहाँ पे जो जॉइंट कपड़ा रहेगा ना वहाँ पे एक छोटी सी कट्स लगा लेनी है, फिर इसको खोलेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। पीछे के पार्ट्स को मैंने एक बार फोल्ड करके इसको अच्छे से रख लिया है। फिर यहाँ से हमें गले की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर आपको पीछे का गला जितना भी डीप रखना हो उस पे मार्किंग कर लेनी। यहाँ पे मैं ज्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच और 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। फिर इसको ऐसे राउंड में शेप देना है। फिर जो हमने मार्किंग की है ना उसको काट लेना है। ये काट के हो गया। अब यहाँ पे पट्टी लगानी है, वो कैसे निकालनी है वो देखते हैं। ये जो कपड़ा है इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड किया, फिर ये हमारी फोल्ड साइड है ना, तो इसको ऐसे फोल्ड साइड की ओर रख लेना है। फिर जो भी हमारा गला है उसको काट लेना है। ये काट के हो गया। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच या 1.5 या 1 इंच भी ज्यादा इसको काट लेना है ऐसे। ये काट के हो गया। अभी इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, वो सिलाई करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना होगा। अभी आगे का गला हमें थोड़ा अलग टाइप का बनाना है, इसके लिए मैंने ये दूसरा फैब्रिक ले लिया है। इसमें का कलर का मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें ब्लैक यूज करूंगी। आपके पास इसमें का होगा तो आप वही यूज कर लेना। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर आगे का गला हमें जितना भी डीप रखना है उस पे मार्किंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच का ले रही हूँ, तो ऐसे 2.5 और 5 इंच का बॉक्स बना लेना है। देखो ये यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया और यहाँ से 5 इंच का लिया, ऐसे बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पे हमें शेप देना है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा शेप दे दिया है। अभी इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे चौरस में इसको काट लेना है। ये जो फैब्रिक है ना इससे हम 1.5 या 2 इंच ज्यादा इसको कट करेंगे। ये काट के हो गया। अभी ये जो हमने मार्किंग की थी ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे गला बना लेना है अलग कपड़े पे। फिर इसको क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना इसमें बीच में सेंटर पे एक लाइन लगा लेनी है। इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे लाइन बना लेनी है। देखो ऐसे सेंटर में हमें लाइन बना लेनी है। फिर ये जो हमने कपड़ा काटा था इसको ये लाइन और ये लाइन दोनों को मिलाते हुए इसको ऐसे रख लेना है। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम रख लिया। फिर इसके ऊपर रख के जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहां पे डबल सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के हो गया। फिर जो सिलाई लगाई उससे आधा इंच छोड़ के इसको काट लेना है। ये काट के हो गया। अभी इसमें ऐसे कट्स लगा लेनी है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे कट्स लगा लेनी है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट लगा लेनी है। देखो मैंने यहाँ पे कट्स लगा ली। अभी ये जो ज्यादा कपड़ा है ना इसको हम यहाँ पे शेप में काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर इसको अंदर कर लेना है, ऐसे पूरा कपड़ा इसको अंदर कर लेना है। करने के बाद यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, ये हो जाएगा। फिर ये जो कपड़ा है ना इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। अभी हम पीछे का गला कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमने पट्टी काटी थी इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर आधा इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और ये गला भी बना लिया। फिर इसको सीधा रखना है, उसके ऊपर इसको उल्टा रख के शोल्डर पे डबल सिलाई लगा लेनी है। देखो शोल्डर पे ज्वाइंट हो गया। फिर यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है, वो कैसे निकालनी है, तो ये जो दूसरा कपड़ा है उसको ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया। देखो ऐसे फोल्ड करने के बाद को ये सिलाई लगा ली है ना, वहां से इसको ऐसे रख लेना है। इसको सीधा रखना है, ऐसे रखने के बाद क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा है ना उसको इसके ऊपर इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसको काट लेना है। ये काट लिया, फिर इसको आधा नहीं 1 इंच ज्यादा इसको काट लेना है, 1 या 1.5 इंच। ऐसे हमें 2 पट्टियां निकाल लेनी है दोनों साइड के लिए। फिर इसको ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो हमने पट्टी निकाली इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद गले पे कैसे सिलाई लगाई थी आधा इंच छोड़ के, वहां पे ऐसे इधर की साइड सिलाई लगा लेनी है पट्टी रख के। फिर इधर की साइड की पट्टी को यहाँ पे ऐसे रख के
यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के हो गया, फिर इसमें ऐसे छोटी छोटी कट्स लगा लेनी है। कट्स लगा के हो जाएगा यहाँ तक, फिर क्या करना है इसको पूरा अंदर फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और अंदर का जो ये कपड़ा है इसको फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। देखो यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, अभी इसको सीधा रखना है। उसके ऊपर नीचे का जो हमने काटा था उसको ऐसे उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसको भी ऐसे सीधा रखना है, उसके ऊपर इसको उल्टा रख लेना है, ऐसे उल्टा रख लेना है, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसको खोलेंगे तो ये ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली, इधर की साइड भी सिलाई लगा के हो गया। अभी इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है, तो जितना भी हमारा नाप रहेगा उसका हाफ कर लेना है। 28 हमारी चेस्ट थी तो उसका हाफ करेंगे तो 14 इंच आएगा। तो यहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर कमर हमारी कितनी थी, 25 इंच थी, तो यहाँ पे 25 का हाफ करेंगे तो 12.5 आएगा। तो यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए सीधी लाइन कर लेनी है। फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से भी वहां से भी नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। देखो मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली। अभी नीचे का जो कपड़ा रहेगा ना उसको ऐसे दो बार फोल्ड करना है, फिर पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है ऑलरेडी, फिर इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसका पूरा लुक कुछ ऐसा रहेगा फ्रंट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा वो भी आप कमेंट में बोल देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से समझा पाऊँ। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।